नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ महिला सुपरवाइजर के एडमिट कार्ड जो आ चुके हैं वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आप गूगल में जाइए, यहाँ टाइप कीजिए SSO, ठीक है। इसके बाद में आपके पास SSO राजस्थान का ये खुल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो SSO सिंगल साइन ऑन का आपके पास पोर्टल खुल जाएगा। इसमें आपको लॉगिन करना है आपके यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के, ठीक है। सबसे पहले आपको अपनी यूजर आईडी डालनी है, फिर अपना पासवर्ड डालना है, फिर आपके पास कैप्चर डालना है आपको, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको सिटीजन ऐप पे जाना है दोस्तों, फिर रिक्वायरमेंट पोर्टल पे। रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जाने के बाद आपके पास एक ऊपर आपको ऑप्शन दिख जाएगा दोस्तों, गेट एडमिट कार्ड। आपको यहाँ पे गेट एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर आपके एप्लीकेशन नंबर डालने हैं, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है यहाँ पे, फिर आपको कैप्चर एंटर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको गेट एडमिट कार्ड पे क्लिक करना है, तो दोस्तों आपका ये एडमिट कार्ड खुल जाएगा। आप देख सकते हैं ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा प्रकाशित ई प्रवेश पत्र है, महिला सुपरवाइजर महिला अधिकारिता सीधी भर्ती 2018 का, ठीक है। इसमें आप अपना परीक्षा तिथि और समय, ठीक है, सेंटर नेम और सेंटर कोड, परीक्षा केंद्र का नाम वगैरह सब देख सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।